नमस्कार, BCN न्यूज के doctors.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बदलते मौसम और गलत खान पान के कारण शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो त्वचा रोगों से परेशान ना हो। त्वचा रोगों में एक्जिमा, कुष्ठ, एलर्जी, कालापन और लाइकोडोमा जैसी बहुत सी बीमारियां आती हैं जो जल्द से जल्द ठीक नहीं होती है। रोगी परेशान होकर स्टेरॉयड आदि दवाई लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद स्टेरॉयड से समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के पास बेहतर विकल्प मौजूद है जो लंबे समय तक त्वचा रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, वह भी बिना किसी नुकसान के। अब इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है शिवशंकर आयुर्वेद से डॉक्टर अतुल तेलहानी सर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपको भी पता है कि स्किन डिसीज बहुत सारी चीज़ों की वजह से होते हैं, बहुत सारे रीजंस इसकी वजह से होते हैं, पर ये जो स्किन डिसीज है ये आखिर होती क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। स्किन डिसीज यानी त्वचा विकार। स्किन का जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन या कलर या फिर कंसिस्टेंसी, उसमें कोई भी चेंज आ जाना, अबनॉर्मल चेंज आ जाना, और वो कंसिस्टेंट लंबे समय तक परेशान करेगा अगर पेशेंट को, इसमें ईचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ड्राइनेस होना या ऑयली होना, या फिर स्किन का कलर चेंज हो जाना, स्किन इरिटेट करना, इस टाइप की कंप्लेंट्स अगर पेशेंट को है, देन हम उसे त्वचा विकार कहते हैं, यानी त्वचा में दिखने वाले विकार त्वचा विकार कहते हैं। ओके, आज जब आपने स्किन डिसीज के बारे में बताया, वैसे तो हम जानते ही है कि हर डिसीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार से क्या स्किन डिसीज के भी प्रकार होते हैं, और अगर होते हैं तो इसके कितने प्रकार हैं? आयुर्वेद के हिसाब से देखें, स्किन डिसीज यानी उसको एक ही टर्म यूज हुई, कुष्ठ, त्वचा विकार है कुष्ठ। अब जैसे कि अर्वाचीन या मॉडर्न साइंस कुष्ठ का जो ट्रांसलेशन करते हैं, दैट इज लेप्रसी। लेप्रसी को कुष्ठ ट्रांसलेशन किया गया, बट एक्चुअल आयुर्वेदिक टर्म में अगर हम देखते हैं तो कुष्ठ के दो टाइप्स में, एक महाकुष्ठ और एक शुद्ध कुष्ठ। महाकुष्ठ यानी लेप्रसी, जो अभी जिसको हम लोग लेप्रसी वाला जो डिजीज कहते हैं, जिसमें वो स्किन का डिसऑर्डर होता है, वो कई बार तो ऑर्गेन भी डैमेज हो जाता है। अब जो क्षुद्र कुष्ठ है उसके उन्होंने अलग अलग टाइप्स बताए, उसमें जो छोटे वाले स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पिंपल्स भी आते हैं, इरिथेमा भी आता है, या अर्टिकेरिया पित्त जैसे डिसऑर्डर्स आते हैं, एक्जिमा आता है, सोरियासिस आता है, ल्यूकोडर्मा आता है, ये डिसऑर्डर्स, या फिर नॉर्मल खुजली भी जैसे होती है, दाद वगैरह, ये सारे क्षुद्र कुष्ठ में आते हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ का मतलब ये नॉर्मल स्किन, बाकी के जो छोटे मोटे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो कि आयुर्वेद में क्षुद्र कुष्ठ की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, उसके भी उन्होंने 18 प्रकार वर्णन किए हुए। जबकि लेप्रसी के जैसे मॉडर्न साइंस ने एक्सप्लेन किया, वैसे आयुर्वेद में भी कुछ केवल 11 प्रकार उन्होंने वर्णन किए हुए। सो ये जो क्षुद्र कुष्ठ की कैटेगरी में आते हैं जिसका हम डिस्कशन आज करने वाले हैं, वो स्किन डिसऑर्डर्स यानी नॉर्मली क्षुद्र कुष्ठ के नाम से जाने जाते हैं, ये इसके टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से सर आपने बात की पिंपल्स, उसके बाद दाग धब्बे होना, ईचिंग होना स्किन पे, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत लोगों को होती रहती है। हालांकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत सी समस्याओं का सामना किसी भी मरीज को करना पड़ सकता है। लोगों को ये सारी बीमारियां हो तो जाती है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि इसका निदान किस तरीके से होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का निदान किया जा सकता है। स्किन डिसऑर्डर्स का निदान पेशेंट जब अपने पास आएगा, पेशेंट ऑब्जर्व करेगा अपने स्किन के ऊपर कुछ एबनॉर्मल कलर चेंजेस हैं, या एबनॉर्मल उसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो बदल रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, या फिर उसमें स्केलिंग हो रहा है, या फिर ईचिंग हो रहा है, या फिर कलर डिसकलरेशन हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ब्लूइश डिसकलरेशन हो रहा है, या फिर वहाँ पे सेंसेशन का लॉस हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर स्किन के ऊपर दिखती है पेशेंट को, तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के बाद जब डॉक्टर उसके साइन एंड सिम्टम दिखता है, स्किन का कलर एंड कॉम्प्लेक्शन दिखता है, अलग अलग कंप्लेंट्स दिखता है, उस हिसाब से फिर उसका डायग्नोसिस डॉक्टर क्लिनिकली कर लेते हैं। आपने इसके निदान के बारे में बताया, पर बहुत लोगों को जब स्किन डिसीज होती है उन्हें इसके पीछे की असल वजह क्या है ये नहीं पता होता है। बहुत लोगों को लगता है कि खान पान, वैसे तो ये शायद कारण भी हो सकता है स्किन डिसीज होने का, कि अगर खान पान अच्छा नहीं रहा तो स्किन डिसीज हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्किन डिसीज होने के और क्या क्या कारण है, मैं आपसे देखिए आयुर्वेद के हिसाब से स्किन का ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया अभी, ये साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, जैसे रेडनेस हो गया, या ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन हो गया, ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो गया, ऑयलीनेस ऑफ द स्किन हो गया,
स्केलिंग ऑफ द स्किन हो गया, यानी स्किन के जो लेयर्स है वो निकल जाना, उसके बाद इरिटेशन होना, इचिंग होना, बर्निंग होना, ये अलग अलग कारणों से होने वाले स्किन डिसऑर्डर्स। अब इसके कारण क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से त्वचा रोग के कारण होते हैं जब रक्त की दुष्टि होती है, रक्त धातु की दुष्टि होती है। रक्त धातु में जब वात पित्त कफ दोष अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन में दूषित होकर मिल जाते हैं, यानी रक्त को दूषित कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स रक्त की दुष्टि हो जाती है, रक्त खराब हो जाता है। खराब होना यानी विशिएट हो जाना दोषों की वजह से आयुर्वेद के हिसाब से, तब वो जाके स्किन के ऊपर उसका अफेक्ट करता है एंड देन स्किन डिसीज की निर्मित होती है। त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये चार दुष्ट माने जाते हैं। जो चार चीजें हैं उसमें खासकर रक्त की दुष्टि दोषों से जब हो जाती है तब जाके त्वचा विकार निर्माण होते हैं। अलग अलग त्वचा विकारों के अलग अलग दोष दुष्ट हो सकते हैं, उस हिसाब से उसके साइन एंड सिम्टम भी दिखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग दोष दुष्टि का निदान करते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट। मतलब हर स्किन डिसीज के अलग अलग अपनी रीजंस है, अलग अलग उसकी जो हम जिस तरह की हैबिट्स अपनाते हैं उस तरीके की है। जिस तरीके से मैंने मेरे शुरुआती इसमें बता दिया था कि आयुर्वेद के पास मतलब ऐसा कोई भी डिसीज नहीं जिसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के पास नहीं, और जब हम बात करते हैं स्किन रिलेटेड डिसीज की तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के पास इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो आयुर्वेद के पास है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, ये मैंने शुरुआती इसमें बताया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में किस तरीके का ट्रीटमेंट इसमें मिलता है? देखिए, ट्रीटमेंट एज पर द डिसीज होगा, क्या कॉज होगा ये इनिशिएट किया जाएगा पेशेंट की हिस्ट्री। अब देखिए, जैसे कि हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, यानी किस प्रकार से स्किन डिसीज डेवलप होता है। रोज का जो खान पान है, हम जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन से आहार रस की निर्मित होती है। ओके, आहार रस सारे शरीर पर सभी धातुओं को पोषण देता है और सभी दोषों को निर्माण करता है। जब आहार रस दूषित प्रमाण में तैयार होगा तो सबसे पहले वो रक्त की दुष्टि करता है, रक्त की दुष्टि करता है, दोषों को निर्माण करता है, और दोष जब रक्त में जाके दूषित होकर मिक्स हो जाते हैं तब अलग अलग टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स तैयार होते हैं। यानी उसका मूल कहाँ पे हुआ? अपने खान पान पे, यानी अपने डाइजेशन पे। जो भी आपने खाया है उसका डाइजेशन होने के बाद अगर वो दूषित रक्त तैयार करता है, दोषों को तैयार करता है, दोषों को विशेष कर देता है, बढ़ा देता है, और वो जाके रक्त को दुष्ट करते हैं, तब जाके स्किन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आता है आयुर्वेदिज्म से। अब इन कारणों के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, यानी बेसिक आपको ट्रीट क्या करना पड़ेगा? रक्त दुष्टि निकालनी पड़ेगी। आप स्किन के ऊपर क्रीम लगा देने से हर काम नहीं होगा, ठीक है? कोई अगर थोड़ी सी दुष्टि है, यानी लोकलाइट अगर कोई दोष है तो स्किन में कोई अपने जैसे ड्राइनेस आ गया, ठंडियों के कारण ड्राइनेस आ गया, आप ठंडी में घूम गए तो कई बार आपके जैसे ओठों में ड्राइनेस आ जाता है, लिप्स में या फिर स्किन में ड्राइनेस आ जाता है, तो आप ऑयल अप्लाई करके उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। बट अगर ये तो नॉर्मल चीज है, बट इससे आगे अगर डिसीज तैयार हो जाता है तब जाके आपको केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से नहीं बट इंटरनल मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ेगी। अब मेडिसिन किस हिसाब से लेंगे? जो रोग आपने डॉक्टर ने डायग्नोस किया है उस रोग की दुष्टि जानते हैं, यानी उसमें क्या दोष है, क्या दुष्य है, क्या हिस्ट्री है, क्या खान पान में गड़बड़ है, वो सारी चीज़ों को करेक्ट करके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट, स्किन क्लींजिंग ट्रीटमेंट, ब्लड क्लींजिंग, ब्लड प्यूरिफाइंग ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी आयुर्वेद के हिसाब से। इसके साथ साथ जिन कारणों से ये सब हो रहा है, जिन कॉजेज जिसको बोलते हैं, निदान जिसको बोलते हैं, उन कॉजेज को भी आपको हटाना पड़ेगा। निदान परिवर्जन, यानी जिन कारणों से ये हुआ है वो आधी ट्रीटमेंट है, उसके बाद आधी ट्रीटमेंट आपका मेडिसिन। सर, हम लोगों ने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं टीनेजर्स जो होते हैं, 15 to 20 इस एज में जितने भी लोग आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जितना भी पिंपल्स हो रहा है या फिर स्किन रिलेटेड डिसीज की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है, और बहुत बार कहा जाता है कि इसका जुड़ाव हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से है। मैं इस विषय में आपसे अधिक जानकारी जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें क्लासिफाइड होती है। जी, जैसे ये टीनेज की जैसे आपने बात की, यानी ग्रोइंग एज, उनमें पिंपल्स, यानी उसको उन्होंने वर्ड ही दिया है तारुण्य पिट्टिका। तारुण्य पिट्टिका यानी यंग एज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट एज में, मेल और फीमेल दोनों में, तो दे ग्रो विथ तारुण्य पिट्टिका और पिंपल्स, एक्ने वल्गैरिस को कहा जाता है, जो कि चेहरे के ऊपर, चेस्ट के ऊपर और बैक के ऊपर देखने में आता है, और कॉस्मेटिक पर्पज से वो ग्रोइंग एज होता है, उस एज में आदमी को लगता है कि हम अच्छे दिखें, और वो ऐसे हर एज में लगता है, लेकिन वो एज कुछ अलग ही तरीके का उसमें करिश्मा होता है कि उस समय आपको एकदम ऐसा लगता है कि यू शुड लुक फ्रेश, जो ग्लो है स्किन का अच्छा हो।
बट उसी दरमियान क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं एडोलेसेंट एज में, अलग अलग उनके जो सेक्स हार्मोन्स एंड ऑल वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, देन देयर इज सम हाउ इम्बैलेंस इन द हार्मोन, तो उस समय दोषों की दृष्टि जाती है। पिंपल्स के लिए उन्होंने साफ साफ कफ मारुत रक्तजल, कफ वात और रक्त, ऐसे तीन प्रकार के रक्तज, ऐसे तीन प्रकार की दृष्टि से बनने में पिंपल्स पाए जाते हैं। अब इसका हार्मोनल चेंजेस और खान पान से भी रिलेशन होता है, तो हार्मोनल चेंजेस को री एस्टेब्लिश करने के लिए फिर वापस आपको स्किन क्लिनजिंग और वात कफ और रक्त को शुद्ध करने वाली चिकित्सा करनी पड़ती है। जिस टाइप का भी वो पिंपल है उस टाइप के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, सो दैट उसका रूट जो है वो निकल जाए। यंग एज में बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं, कई लोग तो इवन आफ्टर 20 क्रॉस करने के बाद 30 तक इन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। सो ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कंसल्ट करना पड़ेगा आपको, किन कॉजेस से हुआ है, आपकी खान पान की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइट और आपका रूटीन भी गड़बड़ हो सकता है, साथ साथ हार्मोनल चेंजेस को साथ में सपोर्ट में हेल्प उनको री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो जाके अच्छे से पिंपल्स का निदान हो सकता है, पिंपल्स कम हो सकते हैं। सर आपने अभी खान पान से जुड़ी बात कही, मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जो हमारे फूड हैबिट्स है, मतलब आजकल हम देखते हैं युवा कहीं ना कहीं जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, इन सारी चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारी डिसीज हो रही है, इसमें स्किन डिसीज का भी समावेश है। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से ये सारी हैबिट्स हमें स्किन डिसीज की ओर लेके जाती है। रक्त दृष्टि मैंने अभी बात की थी, रक्त दृष्टि यानी ब्लड इम्प्योरिटीज तैयार होना, हालांकि आप ब्लड टेस्ट में देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आयुर्वेद के हिसाब से वो रक्त दृष्टि। रक्त दृष्टि हार्मोनल चेंजेस से हो रही है यंग एज में, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि खान पान के हैबिट्स आपने बताई, अभी जैसा कि खाने के कुछ नियम आयुर्वेद में स्पष्ट है, अध्यसन ना करे एक के ऊपर एक ना करे, अनशन ना करे भूखा ज्यादा समय तक ना रहे, विरुद्धासन ना करे, अत्यसन न करे, ठीक है, विषमाशन ना करे, ये टर्म्स है, यानी खाने के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए, पहला खाना पचने के बाद ही दूसरा खाना खाना चाहिए, विरुद्धान्न, विरुद्धान्न मैंने जैसे डिस्कस किया था इससे पहले हमने, कि जैसे हम लोग अपना ये मिल्क शेक करते हैं, इसके साथ साथ कई बार हम लोग कुछ सब्जियों को मिला के मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं, तो उनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं जो नेचुरली अपने इसमें कल्चर में पहले से ये नॉलेज गृहिणियों को जो खाना बनाती थी उनको पता हुआ करता था कि क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन किस सब्जी के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना भी होगा कि घी और शहद सम प्रमाण में लो तो विष बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। जैसे विरुद्धान्न कहा गया, दूध और अंडे कभी साथ में नहीं खाने चाहिए, दूध और मछली कभी साथ में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनके गुण एकदम विरुद्ध है, वो साथ में खा लोगे तो अंदर जाके पेट में जाके वो गड़बड़ तैयार करेंगे, विरुद्धान्न कहलाएंगे और वो रक्त दृष्टि सीधा करेंगे, रक्त दृष्टि होगी तो सीधा आपका स्किन के ऊपर आ जाएगा। सो और अभी आप जैसे पिज्जा बर्गर की बात कर रहे हो, जो अपना डाइट नहीं, नेचुरल अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में डाइजेस्ट जंक फूड हो गया, प्रिजर्वेटिव वाला या केमिकल वाला फूड हो गया, इस टाइप का डाइट अगर आप लेते हो और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आपके पास एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो, आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी नहीं है, तो ये डाइट आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर ठीक भी है तो कुछ समय बाद ये डाइट डेफिनेट आपको दूषी विष के तरीके से, दूषी विष एक टर्म है कि वो धीरे धीरे दोष या फिर इम्प्योरिटीज बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है, बाद में रक्त को दुष्ट करते हो स्किन के ऊपर दिखाई देगी। तो ये चीजें इस लाइफस्टाइल के कारण हो सकती है, भले आज आप कुछ भी खा रहे हो, आपका कलीग भी खा रहा है उसको पिंपल्स आपको नहीं, बट ऐसा नहीं कि आपको नहीं होगा। खान पान अगर आपका प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं मीन्स साइंटिफिक नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से, तो कल जाके वो डिजीजेस आपको हो सकते हैं, स्किन के भी हो सकते हैं, स्किन के अलावा बाकी भी हो सकते हैं। इसीलिए जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसको आपको थोड़ा मॉडिफाइड करने की जरूरत है। खाना आपको टाइमली खाना चाहिए, खाना आपको नियमों के हिसाब से खाना चाहिए, आपकी नीड के हिसाब से खाना चाहिए और टेस्ट के पीछे ना भागते हुए साइंटिफिक खाना खाना चाहिए। साइंटिफिक खाना अपना कल्चर में जो पहले से चलता आ रहा है वो भी टेस्टी ही। अब वेस्टर्न खाना खाने की अगर आपकी इच्छा है तो साइंटिफिक हो, आपको डाइजेस्ट हो, लेकिन अगर वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे पिज्जा बर्गर की अपनी बात की, जंक की बात की, ऑयली की, स्पाइसी की, ये रक्त दृष्टि वाला खाना है। ऑयली स्पाइसी खाना खून को दूषित जल्दी करता है। कंसिस्टेंटली खाओ, देखो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, मेलास्मा हो गया, डार्क हेड्स हो गए, पिंपल्स हो गए, सोरियासिस जैसे डिसऑर्डर्स हो गए, विटिलिगो जैसे डिसऑर्डर्स हो गए, ये यही से निर्माण। ओके,
सर उसके बाद आपने जिस तरीके से हमने ये भी कहा था कि कॉस्मेटिक्स यूज करना कहीं ना कहीं बहुत बार स्किन डिसीज में देखा जाता है, मतलब जितना हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसकी वजह से भी बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम आती है। बट ऐसा भी बहुत केसेस में होता है कि कुछ लोगों को जरूरी होता है डेली इसमें कॉस्मेटिक्स यूज करना। अब ऐसे लोगों को किस तरीके से अपनी स्किन का केयर करना चाहिए? देखिए, कॉस्मेटिक्स पुराने जमाने से यूज होते हैं। आप देखिए कल्चर में, महाराजा महाराजा एकदम, आप 4,000-5,000 साल की अगर कल्चर उठा के देख लेंगे तब भी कॉस्मेटिक यूज होते हैं। तब भी ये आर्ट था, अब भी आर्ट है, अब भी कॉस्मेटिक यूज होते हैं। तब जैसे कलाकार लोग हुआ करते थे, एक्टर्स हुआ करते थे या डांसर्स हुआ करते थे, वो लोग कॉस्मेटिक यूज करते। अभी भी ये लोग ही कॉस्मेटिक यूज करते हैं, जिनको जरूरी होता है स्क्रीन के सामने जाना पड़ता है, कैमरा फेस करना पड़ता है, उन लोगों को कॉस्मेटिक यूज करना पड़ता है। नॉर्मल आदमी भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं टू लुक गुड। ओके, जिनका काम है टू लुक गुड या नहीं भी है तो भी कॉस्मेटिक यूज होता है। पुराने जमाने में हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज होते थे, अभी कॉस्मेटिक्स कैसे हो रहे हैं, केमिकल कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं। और कई बार देखा गया जैसे डाइज हो गया, डाई लगा के, हेयर डाई लगा के, उसकी रिएक्शन आ जाती है लोगों को। केमिकल्स की रिएक्शन तो आ ही सकती है, जिसकी स्किन ने उसको टॉलरेट नहीं किया, या कोई लंबे समय के लिए अगर केमिकल कॉस्मेटिक कंसिस्टेंट यूज कर लेता है तो आप देखना उसकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आता है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ेंगी। बिकॉज अगर वो कॉस्मेटिक्स केमिकल्स है तो दे आर गोइंग टू डैमेज एंड कोरोज द स्किन। इसीलिए अगर उनको कॉस्मेटिक यूज किए बगैर होता ही नहीं है तो दे विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द स्किन। स्किन की एक्स्ट्रा केयर कैसे करनी है? देखो, डाइट प्रॉपर लेना है जैसे हमने डिस्कस किया, उसको प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए, फ्रेश माइंड होना चाहिए उसका, तो ऑटोमेटिक उसकी स्किन को सप्लाई अच्छी जाती है। स्किन का बहुत सा सप्लाई ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन की तरफ आता है। उन उसमें साथ ही पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन अच्छा काम कब करती है? जब डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट उसका फंक्शन होता है, एंड व्हेन यू आर रिलैक्स एंड यू आर ईटिंग वेल एंड यू आर स्लीपिंग वेल, हॉर्मोनली भी अच्छा रिजल्ट आता है जब आप अच्छा सोते हैं। रिलैक्स माइंड और टेंशन में, स्ट्रेसफुल माइंड, दोनों के स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर अलग ही एक्सप्रेशन दिखेंगे। कंसिस्टेंट 15 दिन स्ट्रेस में रहा आदमी, 16वें दिन आपको कुछ अलग दिखता है, और फ्रेश अगर वो ठीक से सोया रात भर तो सुबह उसका चेहरा अलग ही दिखता है। तो ये सारी चीजें स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन्स, जनरली एड्रिनल ग्लैंड्स क्रिएट वाले हॉर्मोन्स स्किन के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालते हैं। तो ये हॉर्मोनोलॉजी मेंटेन, गुड हॉर्मोन्स मेंटेन होने के लिए लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, डाइट आपका साइंटिफिक होना चाहिए, इन सब बातों से स्किन अच्छी रहेगी। और जितना मिनिमम हो आपको केमिकल कॉस्मेटिक यूज नहीं करनी चाहिए। हर्बल कॉस्मेटिक्स की तरफ अगर आप जाते हो तो दैट विल बी मोर, जैसे चंदन होता है, हल्दी होता है, ये जनरली शादियों में यूज होता ही है। तो ये तब के कॉस्मेटिक्स, मैक्सिमम कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक हर्बल क्रीम्स वगैरह इसी से बनते हैं। बट जो अभी आई है ज़्यादा केमिकल्स एंड उसमें स्टेरॉइड्स पड़ते हैं, ऐसी क्रीम्स या फिर ऐसे कॉस्मेटिक जो आप यूज़ करते हो उससे स्किन को डेफिनेट हार्म हो सकता है। अब किसी को थोड़ा लेट होता है, किसी को जल्दी होता है, डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्किन की कैपेसिटी, इम्यूनिटी कितनी अच्छी। एक और सवाल था आपसे कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ थोड़ा जितना कम हो सके उतना करें, हर्बल जितने भी कॉस्मेटिक्स है उनका यूज़ करें ताकि स्किन अच्छी रहेगी, वही डाइट अगर मेंटेन रहेगा, रिलैक्स माइंड रहेगा तो स्किन इससे अच्छी रहेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्किन डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए? एडिशनली एक्सरसाइजेस, माइंड रिलैक्सेशन के लिए योगा, मेडिटेशन, ये चीजें आप देखो बहुत असर करती हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर किसी को उसके ऑक्यूपेशन में या फिर उसकी जॉब में या फिर उसके वर्क में अगर वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो स्ट्रेस में चलता है, रात को नींद ठीक से नहीं ले पाता है, ऐसी कंडीशन में व्हाट हैपेंस, स्किन के ऊपर उसका असर आता ही है। वो तो सीधा ही सीधा, क्योंकि आप स्किन को हम लोग रसवह सोच उससे डील करते हैं, यानी रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम से आती चिंता, स्ट्रेस रहा कि रस दूषित होगा, रस दूषित रहा तो सीधा, क्योंकि रसवह स्रोत की जो परीक्षा करते हैं जनरली आयुर्वेद में, उसमें सारे के सारे लक्षण स्किन के देखे जाते हैं। जिसकी स्किन ऑयली है, इलास्टिसिटी अच्छी है, थोड़ा सा सुकुमार है, व्हाइटिश कलर की है, उस आदमी का रस धातु उसको रससार कहा जाता है। यानी ये जो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी आयुर्वेद की देखें तो स्किन के ऊपर आपके माइंड का, आपके रसव स्रोत का, यानी खान पान का सीधा सीधा असर पड़ता है। तो प्रिवेंशन कैसे करोगे फिर आप? यू विल हैव टू मेंटेन द गुड हेल्थ ऑफ योर स्किन, फॉर दैट रक्त धातु, रस धातु और माइंड, इनको आपको रिलैक्स रखना पड़ेगा।
अब ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स, वो हर्बल हो, केमिकल कॉस्मेटिक्स थोड़ा अवॉइड करें, कम से कम यूज़ करें, अगर करना ही पड़ रहा है तो कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो इसके साथ ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा धूप, ओपन सन जैसे हॉट समर में होता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चाहिए जिन लोगों को स्किन की खास केयर करनी है उनको। तो उतनी केयर करने से आप डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे विटिलिगो जैसे डिसऑर्डर्स है जो जेनेटिक भी हो सकते हैं, या सोरियासिस जैसे बड़े बड़े डिसऑर्डर्स स्किन के, या जैसे दाद वगैरह, उसके लिए आपकी इंटरनल इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और विरुद्धांग यानी खाने के जो नियम है उनको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना तो ये प्रॉब्लम्स नहीं। जिस तरीके से आपने बताया प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाए, साथ ही फूड हैबिट्स कैसी रखनी चाहिए, स्किन अच्छी रखने के लिए किस तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए चीज़ों को, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया। बस एक आखिरी सवाल था आपसे कि जितने भी दर्शक अभी भी जिन्हें अपनी स्किन की केयर लेनी है और बहुत सारे विकारों से वो जुड़े हैं, बहुत सारी डिसीजेज उन्हें हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप टेक होम मैसेज क्या देंगे? तो स्किन के लिए टेक होम मैसेज यही होगा कि स्किन तो आपकी पहचान है। आपकी स्किन जितनी अच्छी दिखेगी उतना आपका लुक अच्छा होगा। अगर आप उस प्रोफेशन में जहाँ पे लुक बहुत मायने रखता है तो भी, और नहीं अगर आप उस प्रोफेशन में नहीं भी है तो भी, लुक और पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भले स्किन काली हो या फिर वाइट हो, जो भी कलर हो आपका, लेकिन आपकी स्किन में अगर वो चमक या फिर वो कॉम्प्लेक्शन अगर अच्छा है, वो प्योर है, अगर उसमें कोई स्पॉट्स नहीं है, वाइट स्पॉट, रेड स्पॉट या फिर ब्लू या फिर इस काइंड के ब्लैक स्पॉट्स, हेड्स नहीं है, स्किन अगर क्लीन है तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, रिफ्लेक्शन अच्छा आता है। तो अगर आप स्किन की केयर लेना चाहते हो तो स्किन भी, वैसे भी मैंने अभी बताया रक्त और रस दोष, रस धातु और आपकी जो नॉर्मल हेल्थ वो स्किन से भी रिफ्लेक्ट होती है। आपकी मेंटल स्टेटस, आपका रिलैक्स माइंड, वो भी स्किन से रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो और इसी के साथ आपकी हेल्थ अच्छी हो तो यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। जो भी हमने अभी चीज़ें डिस्कस की है वो प्रिवेंशन करें और स्किन का खास ख्याल रखें। ठंडियों में जैसे हम लोग ड्राइनेस के समय अप्लाई करते हैं ऑयल, स्नेहन स्वेदन एक चीज़ है जो आयुर्वेद में की जाती है, नॉर्मली रोज करनी चाहिए लोगों को, वो दिनचर्या में भी आती है नॉर्मल लाइफ स्टाइल। तो ऑयल जो जैसे नॉर्थ वाले लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, साउथ वाले लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर बाकी लोग तिल का ऑयल यूज़ करते हैं। तो स्किन में ऑयल रोज लगाना जरूरी है, मसाज करना आवश्यक है, हल्की मसाज कीजिए और क्या सीखिए स्नेहन कहा जाता है। उसके बाद हो सकता है तो थोड़ा स्टीम लेंगे जिसे स्वेदन में, जैसे क्या होता है स्किन के पोर्स खुल जाते हो, आपका जो इम्प्यूरिटीज है अंदर से बाहर आ जाए। दिवाली में हम लोग जनरली उबटन लगाते हैं, पता है आपको, तो वो चीज़ क्या है उद्वर्तन में आता है, वो क्या करता है स्किन से डर्ट निकाल लेता है। आप उबटन रोज भी यूज करो, स्नेहन करने के बाद उबटन से नहा लो, तो स्किन का केयर करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ट्रेडिशन में आपके हैं, तो आप उसको अपनाइए और फिर आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आपका लुक भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब अगर एक अच्छी स्किन हमें रखनी है, मेंटेन करना है स्किन, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं स्किन को मेंटेन करने के लिए, जैसे अच्छा खान पान होना चाहिए, साथ ही कॉस्मेटिक्स का यूज़ कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना चाहिए, और वही स्टीम या फिर जैसे सर ने बताया चंदन वगैरह, इन चीज़ों का अगर लेप लगाया जाए, स्टीम की जाए डेली, तो प्रॉपर स्किन केयर अगर फॉलो की जाए तो स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी रह सकती है। वही अगर रिलैक्स रहे हम, नींद अच्छी हुई और एक्सरसाइज की, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी और हेल्दी स्किन में कहीं ना कहीं रिजल्ट करेगी, जो अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ इस सेशन में आने के लिए, साथ ही इतनी सारी चीज़ें हमें स्किन से रिलेटेड, स्किन डिसीज से रिलेटेड बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के हमारे इस doctors.com में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए सेगमेंट में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखने, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।